छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में शिक्षक की आत्महत्या मामले में पूर्व मंत्री अमर अकबर को एक बड़ा झटका लगा है। जिला स्तर न्यायाधीश ने पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अकबर ने जिला कोर्ट में आवेदन देकर अग्रिम जमानत देने की मांग की थी। कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस पर कहा है कि ये मामला गंभीर प्रकृति का है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी को जमानत देने से सबूत प्रभावित हो सकते हैं। दरअसल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन बालोद के घोटिया गांव निवासी आदिवासी शिक्षक देवेंद्र ठाकुर अपने मकान में फांसी के फंदे पर लटक गए थे। पुलिस को मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला था। सुसाइड नोट पर पैसे के लेन देन का जिक्र करते हुए मौत का जिम्मेदार हीरेंद्र नेताम, मदार खान और सलीम खान, प्रदीप ठाकुर और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर को बताया गया है। रोनी पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर पूर्व मंत्री अमर अकबर के खिलाफ आत्महत्या करने के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद अकबर ने इन सभी आरोपों को बेबुनियादी बताया है। उनके मुताबिक वो इन तीनों को जानते ही नहीं है। सुसाइड नोट पर नौकरी दिलाने के इनाम पर लाखों रुपए ठगी की बात लिखी हुई थी। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। बाकी इस केस पर आगे भी खबरों के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।